पिछले वीडियो में हमने समझा कि एच कंप्यूटिंग क्या है और कैसे हम आर्डविनो नैनो 33 थ्री बी एल सेंस बोर्ड पर एम्बेडेड मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करते हुए ए आई एप्स बना सकते हैं आडविनो नैनो 33 थ्री बी एल सेंस बोर्ड रेगुलर आर्डविनो बोर्ड से अलग है क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड सेंसर्स लगे हैं जैसे एक्सलोरोटर जायरोस्कोप मैग्नेटोमीटर माइक्रोफोन ह्यूमिडिटी सेंसर टेम्परेचर सेंसर प्रेशर सेंसर जेस्चर सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर कलर सेंसर और ब्राइटनेस सेंसर इस बोर्ड का प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है और इसमें इतनी मेमोरी भी है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को स्टोर करके डिवाइस पर ही रन भी किया जा सकता है जिसे एम्बेडेड मशीन लर्निंग कहते हैं ये मशीन लर्निंग मॉडल्स टेंसर फ्लो लाइट जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर टाइनी एमएल यानी टाइनी मशीन लर्निंग से बनाए जा सकते हैं टाइनी एम मशीन लर्निंग ही है पर इससे बने मॉडल्स माइक्रो कंट्रोलर्स और सेंसर्स जैसे एच डिवाइसेस पर ऑन बोर्ड ही चलाए जा सकते हैं और इनको क्लाउड से या किसी और सर्वर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं नैनो थर्टी थ्री बी सेंस बोर्ड में एक लो एनर्जी ब्लूटूथ एंटेना भी लगा है जिससे इस बोर्ड को आप अपने मोबाइल फ़ोन पीसी या वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो ध्यान दीजिएगा कि ये बोर्ड 3.3 पॉइंट वोल्ट पर चलता है 5 वोल्ट पर नहीं इस बोर्ड को आप मशीन लर्निंग आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स होम ऑटोमेशन कंप्यूटर विजन वेरेबल डिवाइसेस जैसे फिटनेस uh, मॉनिटरिंग और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम एक बने बनाए मशीन लर्निंग मॉडल को इस बोर्ड पर अपलोड करते हैं और एक मज़ेदार जेस्टर सेंसर आधारित प्रोजेक्ट बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को हम एक वेबसाइट पर चलाएंगे और बोर्ड को हम वेबसाइट से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे ये वेबसाइट आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र पर चलानी होगी क्योंकि इन्हीं दो से ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो ठीक से कनेक्ट हो पाता है जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था इस प्रोजेक्ट के लिए भी सबसे पहले आपको आडविनो आई पर बी एल सेंसर बोर्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके इसमें टी एफ फोर माइक्रो मोशन स्केच को अपलोड करना है ये करने के बाद आप इस वीडियो में समझाएगा स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो इस पहले प्रोजेक्ट में तो हम एक बना बनाया मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे हैं और इसी वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल को भी खुद ही ट्रेन करना सीखेंगे ये प्रोजेक्ट है फिंगर यूजर इंटरफेस ये भी एक्सपेरिमेंट्स विद गूगल डॉट कॉम पर अवेलेबल है और इसको रन करने के लिए भी आपको पहले ये टी एफ फोर माइक्रो मोशन किट जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमने ऑलरेडी ये जो स्केच था इसको अपलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ कनेक्ट का बटन दबा रहा हूँ और फिर मैं ये पेयर की जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो अब हमारा जो टेंसर फ्लो मॉडल था उसको आडविनो में विया ब्लूटूथ ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ट्रांसफ़र होने के बाद बेसिकली ये फिंगर जेस्चर्स को रिकग्नाइज़ करेगा तो यहाँ पर ये जेस्चर्स दिखाए गए हैं कि राइट right करना या फिर ट्वल करना पोक करना या लेफ़्ट मूव करना तो हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ये मशीन लर्निंग मॉडल ऑलरेडी किसी ने ट्रेन करके यहाँ पर एज अ गूगल एक्सपेरिमेंट अपलोड किया है और अब हमने इस मशीन लर्निंग मॉडल को अपने आ, Arduino बोर्ड पे ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर होने के बाद अब हम ऑन द बोर्ड अपना एम मॉडल जो है इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें एक फिंगर बेस जेस्चर है पोक का एक है लेफ्ट का एक है राइट right का और एक है का। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि कैसे हम अपना खुद का मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करके इस बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में भी हम जेस्टर सेंसर को ही यूज करेंगे तो मैं इस वेबसाइट पे हूँ टाइनी मोशन ट्रेनर यह भी एक्सपेरिमेंट्स विद गूगल डॉट कॉम वेबसाइट पर अवेलेबल है इस वेबसाइट पे जाके मैं कह रहा हूँ लॉन्च एक्सपेरिमेंट और फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट ये डायलॉग बॉक्स खुलता है डाउनलोड एंड कनेक्ट और यहाँ पर भी ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट वर्जन आर्डविनो स्केच का है उसको हमार को डाउनलोड करके आडविनो बोर्ड पर अपलोड करना है पर यह जो स्केच है ये ऑलरेडी हमारे बोर्ड पे रन कर रहा है क्योंकि जो बोर्ड की एलईडी है वो कलर्स चेंज कर रही है रेड ग्रीन ब्लू ये इंडिकेशन है कि जो ये पर्टिकुलर स्केच है ये हमारे बोर्ड पे ठीक से अपलोड होके काम कर रहा है तो क्योंकि ये स्केच अपलोडेड है इसलिए मैं कह रहा हूँ कनेक्ट और फिर ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा है और मैं अपनी डिवाइस को पेयर कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे को ये कैप्चर सेटिंग्स मिलती हैं और मैं इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में ही छोड़ रहा हूँ फिर मैं लेफ़्ट मेन्यू से यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ कैप्चर कैप्चर योर डेटा और हम जो भी डेटा कैप्चर करें करेंगे उसके लिए हमारे को एक यूनिक लेबल जनरेट करना पड़ेगा तो जो मैं पहला जेस्चर बनाना चाहता हूँ वो है कि मैं बोर्ड को लेफ्ट राइट मूव करूँगा तो मैं इसका लेबल का नाम दे रहा हूँ लेफ़्ट राइट और मैं यहाँ कह रहा हूँ क्रिएट न्यू लेबल और फिर मैं कह रहा हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग अब जैसे ही मैं अपना बोर्ड जो है इसको लेफ़्ट राइट मूव करता हूँ तो ये जेस्चर जो है यहाँ पर रिकग्नाइज हो रहा है और हम उसको यहाँ कैप्चर कर रहे हैं हम दस बारह सैंपल जो हैं ये हमारे लिए एडिकुएट होंगे और उसके बाद ये जो हमारे को यहाँ पे मोशन लाइंस दिख रही हैं ये बेसिकली हमारे सेंसर्स जो वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उसका प्लॉट है और इसमें हम एक नज़र मार के देख सकते हैं कि अगर मोस्टली पैटर्न सेम है पर अगर कहीं पैटर्न गलत है क्योंकि कोई गलत हमारा जेस्चर रिकॉर्ड हो गया है तो हम उसको जाके डिलीट कर सकते हैं तो मे बी मैं ये दो डिलीट कर रहा हूँ तो हमारे पास ये बारह सैम्पल्स हैं लेफ़्ट राइट लेबल के फिर हम एक और लेबल बनाना चाहते हैं जिसका हम नाम दे रहे हैं अप डाउन क्रिएट न्यू लेबल और अब हम इसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमारे अप डाउन के सैम्पल्स हैं एंड अगेन हम इसकी जो मोशन लाइंस हैं इनको एक नज़र डालते हुए जो हमारे को लगता है कि थोड़ी अलग हैं उनको हम डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास अगेन 12 सैम्पल्स इस जेस्चर के भी आ गए हैं अब नेक्स्ट हम अपना मॉडल जो है इसको ट्रेन कर सकते हैं अगेन मैं ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पे छोड़ रहा हूँ और कह रहा हूँ स्टार्ट ट्रेनिंग और अब ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है ये ट्रेन होना शुरू हो गया है ये ग्राफ हमारे को बता रहा है कि हमारा मॉडल कितनी एक्यूरेसी के साथ ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन एक्यूरेसी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और यहाँ पर हमारे को जो जो मशीन लर्निंग में लॉस कहते हैं उसका प्लॉट नज़र आ रहा है तो एक बार जब हमारा ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा तब हम इसको यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं तो हम टेस्टिंग में मैं अब जेस्चर कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट तो ये मुझे बता रहा है कि विद 98 परसेंट प्रॉबिलिटी इट इज़ सेइंग कि दिस जेस्टर वाज लेफ़्ट एंड राइट हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं तो ये जो जेस्चर हैं ये सारे ऑलमोस्ट 99 परसेंट एक्यूरेसी के साथ वो कह रहा है कि ये लेफ़्ट राइट जेस्चर था फिर हम अप डाउन जेस्चर ट्राई कर सकते हैं तो ये हमारा इसको भी ये रिकगनाइज़ कर रहा है कि विद 99% एक्यूरेसी जो लास्ट जेस्चर था वो ये कह रहा है कि वो अप डाउन था तो हमारा जेस्चर बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो तैयार हो गया है और इसको हमने टेस्ट करके भी देख लिया है कि वो ये काफ़ी एक्यूरेट है तो नेक्स्ट स्टेप पर मैं ये मॉडल को डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको एज़ अ आर्डविनो मॉडल एंड एग्जाम्पल डाउनलोड करना चाहता हूँ और मैं ये क्वांटाइज का जो ऑप्शन है इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सिलेक्ट करने की वजह से ये जो मॉडल जनरेट होगा ये इस तरीके से जनरेट होगा कि ये मेमोरी या स्पेस जो है काफ़ी कम ऑक्यूपाई करेगा और इसलिए ये हमारे आडविनों में हम इसको अपलोड कर पाएंगे तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैं कह रहा हूँ डाउनलोड अब ये मॉडल जो है ये प्रोसेस हो रहा है और एक जो फाइल जनरेट होगी वो फाइल एक ज़िप फाइल होगी जिसमें जेस्चर का डेटा होगा और साथ ही आडविनों का एक स्केच होगा तो ये हमारी फ़ाइल जो है ये डाउनलोड हो गई है और यहाँ पर मैं इसको अनजिप कर रहा हूँ और अनजिप करके हमारे पास ये जो आ, हमारे को दो फाइल्स मिलती हैं एक डॉट आई एन ओ फाइल जो आडविनो का स्केच है और एक मॉडल डॉट एच फाइल जिसमें कि ये बहुत सारी बाइनरी वैल्यूज़ हैं जो कि बेसिकली हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है तो मैं यहाँ पर ये जो आई एन ओ फाइल है इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारी आडविनो आई डी ई पर ऑटोमेटिकली खुल जाएगी तो हमें अब आडविनो आई में ये दो फाइल मिल रही हैं मॉडल डॉट एच जहाँ हमारा डेटा है और ये आई फाइल जो कि एक प्री मेड कोड है जिसको कि हमारे को अब अपने बोर्ड में ट्रांसफ़र करना है तो मैं ठीक बोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ नैनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस और ठीक पोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ ये करने के बाद मैं इस फाइल को अपलोड कर रहा हूँ मशीन लर्निंग की फाइल्स जो हैं कंपाइल करने में टाइम लेती हैं तो जब ये कंपाइल होके अपलोड हो जाएगा फिर हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं जो हमने मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किया था वो अब हमारे बोर्ड में अपलोड हो चुका है यहाँ जो कोड है वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन द जेस्टर्स वो कुछ सीरियल प्रिंट करेगा तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर खोल रहा हूँ और ये हमारे को भी बता रहा है कि एक्सलोरोटर सैंपल जब हमारा बोर्ड जो है वो केवल फ्लैट पड़ा हुआ है वो क्या है और जायरोस्कोप सैंपल रेट क्या है अब जब मैं अपना बोर्ड जो है इसको सेम जेस्चर्स करता हूँ तो मैं लेफ़्ट राइट जेस्चर कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ मिल रही हैं कि नाइन्टी श्योरिटी के साथ हमारा मॉडल कह रहा है कि ये लेफ़्ट राइट जेस्चर था और इसको हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं तो अगेन नाइन्टी परसेंट प्रॉबिलिटी के साथ जेस्चर ठीक से रिकगनाइज हुआ है ये लेफ्ट राइट जेस्चर था और अगर मैं इसको अप डाउन करता हूं तो हमारे को हमारा मॉडल कह रहा है कि विद 98 एट परसेंट श्योरिटी कि ये अप डाउन जेस्चर था हम अप डाउन को एक बार और टेस्ट कर सकते हैं तो ये अप डाउन और ये लेफ्ट राइट -right। तो इस तरीके से टाइनी मोशन ट्रेनर पर हमने जेस्चर बेस्ड मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया और उसको डाउनलोड करके हमने अपने आर्डविनों में अपलोड कर दिया नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप चाहो तो जहाँ पर ये हम कंडीशंस चेक कर रहे हैं कि जो जेस्चर था वो क्या था तो आप इसमें अपना कोड ऐड कर सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर जेस्चर होगा लेट्स से लेफ्ट राइट -right जेस्चर होगा तो आप बोर्ड में कोई पिन को हाई कर सकते हो और उससे फिर कोई सर्वो कनेक्ट कर सकते हो या कोई एल कनेक्ट कर सकते हो तो इस तरीके से आप कोई डिवाइस बना पाओगे जो कि जेस्चर पे बेस्ड होगा आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया कि एज बेस्ड डिवाइसेस पर हम टाइनी एम यूज़ करते हुए कैसे हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और उसको एज अ आर्डविनो स्केच आर्डविनो पर अपलोड कर सकते हैं और इस तरीके से हम आर्डविनो पर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं